हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बाचा। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंस की स्मैकडाउन के अपडेट के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। आखिर कौन सी अपडेट आई है रिगार्डिंग रोमन रेंस ऑन स्मैकडाउन लाइव, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि WWE लेजेंड एंड हॉल ऑफ फेमर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने एक न्यू शो ओपन किया है जिसका नाम है स्ट्रेट अप स्टीव ऑस्टिन, और इस शो की गेस्ट बनी है बेकी लिंच। स्टोन कोल्ड ने इसके बारे में ट्वीट भी किया था कि इस शो में बेकी लिंच आने वाली है, तो आप सभी स्टे ट्यून रही है। इस पर फिर बेकी लिंच ने ट्वीट किया कि वो रेस करेंगी थोड़ा हेल ऑन स्ट्रेट अप स्टीव ऑस्टिन, बट उसके बदले स्टोन कोल्ड को फेवर रिटर्न करना होगा WWE में आके इन द कमिंग टाइम। तो फिर दोस्तों, हो सकता है कि जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आएंगे WWE में, तो फिर हमें इनका और बेकी लिंच का एक सेगमेंट भी देखने मिल सकता है, हु नोस। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो जुड़ी है CM Punk एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से। जैसे कि आपको पता है कि CM Punk ने अपना अपीयरेंस नहीं किया AEW के पेपरव्यू में, और उसके पहले स्टारकास्ट जो हुआ वहां पर CM Punk ने एक बहुत ही अच्छी बात कही रिगार्डिंग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। जब CM Punk के लास्ट डेज थे WWE में, तभी ये सीन हुआ था। CM Punk इन्वॉल्व थे एक डार्क मैच में और वो चाहते थे कि क्राउड को हैप्पीली वो घर भेजे, और तभी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी बैकस्टेज थे, तभी CM Punk को एक अच्छा आइडिया भी आया था। CM Punk स्टोन कोल्ड के पास गए और उनको कहा कि क्या आप लास्ट में आकर मुझे स्टनर दे सकते हैं ताकि क्राउड होम हैप्पीली जाएगी, एंड स्टोन कोल्ड ने वो एग्री भी किया। CM Punk ने आगे कहा कि वो बिलीव नहीं करते कि किसी ने भी ये सजेस्ट नहीं किया ऑस्टिन को ये करने के लिए, और जब पंक ने दूसरे हील रेसलर से कहा कि स्टोन कोल्ड आके मुझे स्टनर देंगे एंड में, तब वो भी बिलीव नहीं कर पाए कि कितना ऑसम होगा ये सीन। और फिर CM Punk ने कहा कि उस स्टनर के बाद मैं उसे पोक करता और कहता कि मैच के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तभी एक बहुत अच्छा टाइम था कि हमारी मैच हो सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब टाइम बीत चुका है। तो दोस्तों, सैडली हमें CM Punk वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की ड्रीम मैच नहीं देखने मिलेगी। हम बस होप करते हैं कि नियर फ्यूचर हमें इन दोनों का एक कन्फ्रंटेशन जरूर देखने मिले अगर CM Punk WWE में आते हैं तो। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो जुड़ी है रोमन रेंस से। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में ये रिवील हुआ कि उस कैमरा फुटेज में एरिक रोवन थे इन द हुड। डैनियल ब्राइन उन्हें फिर सीरीज ऑफ स्लैब्स देते हैं, और जब डैनियल ब्राइन रिंग में आते हैं तभी रोमन रेंस दे देते हैं उनको एक जबरदस्त स्पीयर, बट देन डैनियल ब्राइन रोमन रेंस से एपोलॉजी डिमांड करते हैं। तो फिर दोस्तों, हमें आने वाली स्मैकडाउन लाइव में एक बड़ा ट्विस्ट देखने मिल सकता है। डैनियल ब्राइन, एरिक रोवन एंड रोमन रेंस का कन्फ्रंटेशन हो सकता है रिंग में एक साथ, एंड देन सडनली एक मिस्ट्री मैन आ जाएगा रिंग में और फिर वो भी कन्फ्रंटेशन करेगा रोमन रेंस के साथ, एंड देन उसके बाद रोमन रेंस, एरिक रोवन एंड दैट मिस्ट्री मैन अटैक कर सकते हैं रोमन रेंस पर, एंड देन फाइनली हमें ये पता चलेगा कि इन तीनों का ही हाथ था रोमन रेंस के उस एक्सीडेंट के पीछे, एंड दोस्तों वो मिस्ट्री मैन हो सकते हैं ल्यूक हार्पर। जैसे आपको पता है कि वाइट फैमिली में भी एरिक रोवन, डैनियल ब्राइन एंड ल्यूक हार्पर भी थे, तो फिर काफी चांसेस है कि ल्यूक हार्पर दिखे स्टोरी लाइन में। अगर WWE चाहते हैं कि किसी और को डाला जाए तो फिर ये भी हो सकता है। तो फिर हमें देखना होगा कि स्टोरी में ट्विस्ट लाने के लिए WWE क्या करते हैं एंगल। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप कैसा चाहेंगे कि रोमन रेंस का एंगल कैसा बुक हो ऑन स्मैकडाउन लाइव। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।